अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी काउंटडाउन शुरू हो गया है। सोमवार को अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अपनी दलील पूरी कर ली, जिसके बाद आज से हिंदू पक्ष कोर्ट में जिरह करेगा। आज को मिलाकर अयोध्या विवाद में सुनवाई के केवल 3 दिन बाकी हैं। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सोमवार को 38वें दिन की सुनवाई खत्म हुई, वैसे ही सबसे बड़े मुकदमे का फैसला आने में एक और दिन कम हो गया। अब सिर्फ 33 दिन बचे हैं जब अयोध्या विवाद पर सबसे बड़ा फैसला आ जाएगा। लेकिन इस फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में हर दिन जमकर कानूनी दाव पेच आजमाए जा रहे हैं। सोमवार को मुस्लिम पक्ष की दलील का आखिरी दिन था। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने जिरह के लिए 1.5 घंटे का वक्त बढ़ाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को नामंजूर कर दिया। इसके बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। धवन ने सबसे पहले जजों की बेंच से कहा कि सुनवाई के दौरान बेंच के सभी सवाल मुस्लिम पक्ष से ही हो रहे हैं, हिंदू पक्ष से कोई सवाल नहीं पूछा गया। इस पर रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथन ने एतराज जताया। उन्होंने कहा ये गलत और बेबुनियाद बात है। लेकिन धवन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा मैं कोई बेबुनियाद बात नहीं कर रहा हूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बेंच के सभी सवालों के जवाब दूं, पर सभी सवाल मुस्लिम पक्ष से ही क्यों हो रहे हैं। राजीव धवन की इन बातों के बाद कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ी। धवन ने दलील आगे बढ़ाते हुए कहा कि राम मंदिर पर पुरातत्व विभाग की जो बात सबूत के तौर पर कोर्ट ने स्वीकार की है, कोर्ट उसकी जांच करे। एएसआई को रिपोर्ट की सत्यता साबित करनी चाहिए। मुस्लिम पक्षकार इसे सही नहीं मानते हैं। इसके बाद राजीव धवन ने जमीन के मालिकाना हक पर कई तर्क रखे। धवन के तर्क के बीच जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, 1858 के बाद के दस्तावेजों से पता चलता है कि राम चबूतरा की स्थापना की गई थी, हिंदुओं के पास अधिकार था। इस पर धवन ने कहा विवादित जमीन पर लगातार मुस्लिम पक्षों का ही कब्जा रहा है। 1989 से पहले हिंदू पक्ष ने कभी जमीन पर मालिकाना दावा पेश नहीं किया था। 1986 में राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की महंत धर्मदास की मांग को फैजाबाद कोर्ट खारिज कर चुका है। राजीव धवन की इस दलील के बाद कोर्ट में सवाल और जवाब का सिलसिला तेज हो गया। जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या मुसलमानों का एकमात्र अधिकार होने का दावा करना उनकी दलील को हल्का नहीं करेगा, जबकि हिंदुओं को बाहरी आंगन में प्रवेश करने का अधिकार था। इस पर धवन ने कहा इससे उन्हें अधिकार तो नहीं मिलता। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कई दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि हिंदू पक्ष बाहरी आंगन में रहते थे। धवन ने फिर दलील दी, कहा ये दिखाने के लिए हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत नहीं है कि हिंदू बाबरी मस्जिद की विवादित भूमि के मालिक हैं। भूमि के इस्तेमाल के अलावा कोई अधिकार हिंदुओं को नहीं दिया गया था। उन्हें पूर्वी दरवाजे में प्रवेश करने और प्रार्थना करने का अधिकार दिया गया था और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। इसके बाद धवन ने कहा कि 5 दिसंबर 1992 की स्थिति में जिस तरह का ढांचा था, उसी स्थिति में हमें मस्जिद सौंपी जाए। मुस्लिम पक्ष के वकील ने अपनी दलील यही खत्म कर दी। अब आज मंगलवार से हिंदू पक्ष अपनी बात रखेंगे, जिसके बाद फैसले की प्रक्रिया शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।